दोस्तों, अगर हम किसी एक्सेल शीट पर काम कर रहे होते हैं और जो हमारा डेटा होता है वो फर्स्ट शीट पे जो है मास्टर शीट होता है, और बाकी शीट पर अगर हम अपने हिसाब से कोई वर्क कर रखे हैं, सपोज के लिए आप मास्टर शीट पे काम कर रहे हैं, आपको कुछ रफ्तेज की ज़रूरत पड़ गई या फिर कोई और डेटा है जो अपने हिसाब से आप मेंशन करना चाहते हैं, वो एक्चुअली मास्टर शीट में है लेकिन आप अपने हिसाब से उस पर डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जो डेटा है, या फिर आप मान लीजिए शीट नंबर 3 पर रफ्तेज यूज कर रहे हैं, शीट नंबर 4 पर आप कुछ और मेंशन कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो शीट फर्स्ट है वो मास्टर शीट है। आप उसको जो है जो भी मैनेजमेंट मांगती है आपसे, आपके सीनियर्स मैनेजर्स जब भी आपके मांगते हैं तो आपको शीट नंबर फर्स्ट देना होता है। लेकिन अगर कभी आपके मान लीजिए सीनियर्स मांगे कि आप जो डेटा मैनेज कर रहे हो आप उसे मुझे मेल कर दो, तो आप क्या करेंगे? अगर पूरी शीट एक्सेल अगर आप मेल कर देंगे तो उसमें आपके जो डेटा है जो अपने हिसाब से आप मैनेज कर रहे थे तो शीट नंबर फर्स्ट से ही रिलेटेड, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर रहे थे एज ए रफ पेज, तो आप वो डेटा भी अगर पूरा शीट एक्सेल शीट मेल करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा उनके पास मेल हो जाएगा, और आप नहीं चाहते कि अननेसेसरी जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है जिस डेटा का, वो डेटा आगे शेयर हो। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा दो तीन ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर हम आप कर सकते हो, आप फाइल फाइल से सेव एज कर सकते हो, सेव एज जा करके आप डेस्कटॉप पर सेव करके एक एक फाइल डिलीट करोगे फिर जा करके वहाँ पे, तो जो है आपका शीट नंबर फर्स्ट सिर्फ आप उसमें से डिलीट नहीं करोगे और आगे मेल कर दोगे। उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है, आप काफ़ी टाइम ले सकते हैं उसमें। और दूसरा ऑप्शन है, आप पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे कंट्रोल के साथ सी, पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, एक नई फाइल आप खोलोगे एक्सेल की। यहाँ पर हम एक्सेल की नई फाइल खोल लेते हैं, ठीक है, इस पे और उस पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे डेटा देखिए जो है फॉन्ट पूरा चेंज हो गया, मान लीजिए इसकी साइज चेंज हो गई है, कभी कभी ये देखिए ये डेटा इस तरह से भी आ जाएगा आपका जब कॉपी पेस्ट करोगे आप, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, तो आपको इसे भी सही करना होगा, इसकी लेंथ को, इसकी साइज को, सब कुछ सही करना होगा, तो ये भी एक तरह से टाइम टेकिंग है। लेकिन आप चाहते हो कि बहुत ही ईजी तरीके से ये जो शीट है शीट नंबर फर्स्ट ये दूसरी शीट में आ जाए और सारा का सारा मेरा डेटा जो है शीट नंबर 2, 3, 4 पे वो वैसे ही सेव है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी शीट पर जाएंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मूव और कॉपी का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं, पॉपअप मेनू सामने आएगा और इसमें हम करेंगे देखिए शीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, अब इसमें से कौन सा डेटा आप अलग करना चाहते हैं अपने एक्सेल शीट से, तो यहाँ पर मैं शीट नंबर फर्स्ट को एक अलग एक्सेल शीट में सेव करना चाहता हूँ, तो शीट नंबर फर्स्ट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ देखिए दिया है सैलरी डिटेल्स, बुक 1 या फिर न्यू बुक, तो मैं न्यू बुक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी का ऑप्शन है और ओके कर देते हैं। अब देखिए ये नई एक एक्सेल फाइल ओपन हो गई है जिसमें शीट नंबर सिर्फ 1 है और जो शीट नंबर 1 में डेटा थे वो सारा मेरे पास एक अलग एक्सेल शीट में आ गया है। अब मैं इसे सेव करके आगे मेल कॉपी मेल या फिर व्हाट्सएप पे या फिर पेन ड्राइव में कहीं भी मैं दे सकता हूँ शीट नंबर 1 जो रिक्वायर्ड डेटा था, बाकी जो डेटा थे वो मेरे मेरे एक्सेल शीट में सेव हैं, वो कहीं नहीं सेव होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।